स्टूडेंट्स द साइंस चैनल बाय आरकेसी में आप सभी का स्वागत है। और चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर ऑफियोथ्रिक्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजिशन या क्लासीफिकेशन से। तो इसका जो क्लासीफिकेशन है वो सर्वप्रथम मूलर एंड थ्रोस्टेल ने 1840 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसका जो किंगडम है वो है एनिमेलिया, फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, सब फाइलम है एल्यूरोजोआ, क्लास है ऑफियोरोइडिया, ऑर्डर है जाइगोफ्यूरी, फैमिली है एम्फ्यूरिडेई, जीनस है ऑफियोथ्रिक्स, स्पीसीज है एंगुलाटा। इसका जो कॉमन नेम है वो है फैदरी स्टार और सी लिली के नाम से इसको जाना जाता है। हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे तो ये सैंड, एम्प्टी सील्स और अंडरस्टोन रॉक्स आदि में भी ये देखने को मिलते हैं। अगर इसके फूड की हम बात करें तो इसका जो फूड मटेरियल है वो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत ही सूक्ष्म जीवों का ये भक्षण करता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो आप यहाँ पर देख रहेंगे, इसके में जो है ये फाइव आर्म्स पाई जाती हैं, पांच भुजाएं पाई जाती हैं। ऑफियोथ्रिक्स जो है वो स्पाइनी ब्रिटल स्टार भी कहलाता है। इसकी सेंट्रल डिस्क स्मॉल एंड राउंड होती है। इसकी जो सेंट्रल डिस्क है वो स्मॉल होती है, राउंड होती है। इसमें फाइव आर्म्स हैं, ये दिख रही है, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये फाइव इसमें आर्म्स हैं जिनको भुजाएं कहते हैं हिंदी में। ये जो आर्म्स है ये इसमें बहुत माइन्यूट स्पाइन यानी कांटेदार स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इनको कहते हैं स्पाइन्स। ये दोनों हर आर्म्स पे जो है देखने को मिल रहे हैं, ये कहलाती है इसकी आर्म्स। मैंने अभी कहा था ये सारे जो पाँच हैं ये आर्म्स हैं इसकी। इसमें ओरल शील्ड होती हैं, इस तरफ ओरल शील्ड पाई जाती हैं। इसका जो ये सेंटर वाला पार्ट है ये इसका माउथ है और ये इसका जॉ है यानी जबड़ा है। ये चारों ओर ये सेंटर वाला पार्ट इसका माउथ है। इसमें पोडियल पोर्ट्स भी पाए जाते हैं, इन साइड में इसके बैक साइड से पोडियल पोर्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर बुर्सल स्लिट्स देखने को मिलती हैं इन जगहों पर, ठीक है। ये जो बीच वाला आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे जो मेरी पेंसिल है उसकी नोक मैंने रखी है वो कहलाती है सेंट्रल डिस्क। ये सेंट्रल डिस्क कहलाती है। और ये वाले जो वाइट वाले जो ये रीजन आपको देख रहे हैं यहाँ पर ओरल आर्म्स सील्स पाई जाती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। इसके माउथ के पास फाइव मोमेंटल प्लेट्स होती हैं। ये जो माउथ वाला रीजन है इसके पास में फाइव मोमेंटल प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स जॉ की भांति फंक्शन करती है, जॉ यानी जबड़े के जैसे फंक्शन करती है। ये फाइव प्लेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो फाइव प्लेट्स हैं ये वर्क एज अ जॉ, जैसे जबड़े का फंक्शन होता है वैसे ये प्लेट्स फंक्शन करती है। इसकी जो माउथ है उस माउथ सरफेस पे क्या होता है कि फाइव ओरल सील्स पाई जाती हैं, ठीक है, फाइव जो हैं ओरल सील्स पाई जाती हैं और फाइव पोडियल पोर्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये पोडियल पोर्ट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो आर्म्स होती है ये इसके बेसल सरफेस पर क्या होती है, अटैच्ड होती है। तो जो ये आर्म्स होती हैं वो प्लेट्स या स्लोप के द्वारा क्या होती है, कवर्ड होती हैं। इन आर्म्स के साइड्स पर टीथ लाइक स्पाइन की कई लाइंस प्रेजेंट होती है। नाल पाथ आर्म्स के लोअर प्लेट्स पर होते हैं। इन आर्म्स पर क्या होता है, होस्टोलिया नहीं पाए जाते हैं। इन आर्म्स के सरफेस पर गहरी खांचे पाए जाते हैं जिनको बेसल सील्स कहते हैं। जायगोट इन्हीं पोर्ट्स के द्वारा बाहर निकलते हैं। दूसरा है कि अगर इसकी कोई भी आर्म्स अगर ब्रेक हो गई, ठीक है, तो इसमें रिजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।